मात्रा में छुटाव की मात्रा और ना दातुन ग में छुटाव की मात्रा ला में आ की मात्रा क्या होगा बगुला। इसी तरह छोटा की मात्रा जब हम बोलेंगे उस शाम को हल्का बोलेंगे वो वर्ड पे ज्यादा जोर नहीं लगेगा क्या बोला जाएगा हल्का बोला जाएगा। ज ज में आ की मात्रा म में छोटा की मात्रा ना जामुन ज ज में छोटा की मात्रा र में आ की मात्रा बहुरा। तो इसको पढ़ने के लिए हम जब भी जिस वर्ड के नीचे छोटा लगाएंगे तो क्या बोलेंगे मात्रा को हल्का बोलेंगे यानी कम समय लेंगे उसको बोलने में। ठीक उसी तरह है बड़ी बड़ाओ की मात्रा तो बड़ाओ की मात्रा जब भी हम बोलेंगे तो उसपे जोर लगता है उस बात को बोलने में जोर पड़ता है उसपे। जैसे फ फ में बड़ी बड़ाओ की मात्रा ल क्या बोलेंगे फूल। म म में बड़ाओ की मात्रा ल में बड़ी की मात्रा तो क्या होगा मूली। स में बड़ाओ की मात्रा र ज तो क्या होगा सूरज। च च में बड़ी बड़ाओ की मात्रा बड़ी ग में बड़ी की मात्रा क्या हो जाएगा चूड़ी। यानी कि अभी हम बोल रहे हैं क्या हो रहा है उस वर्ड पे जोर पड़ रहा है समय ज्यादा लेंगे जोर पड़ेगा उसमें। ठीक है झ झ में बड़ाओ की मात्रा ला में आ की मात्रा क्या हो गया झूला। क ब में बड़ाओ की मात्रा त र कबूतर। क में बड़ाओ की मात्रा द न में आ की मात्रा तो क्या होगा कूदना। त र र में आ की मात्रा ज में बड़ी उ की मात्रा तो क्या हो गया तराजू। म य में बड़ाओ की मात्रा र मयूर। यानी जो भी वर्ड हम बोल रहे हैं उसमें ज्यादा समय लेंगे तेज बोलेंगे उसको ताकि बड़ाओ की मात्रा स्पष्ट हो जाए। त र ब में बड़ाओ की मात्रा ज तरबूज। म ज द में बड़ाओ की मात्रा र मजदूर। ज में बड़ाओ की मात्रा त में आ की मात्रा जूता। तो इस तरह बच्चों आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि जब भी हम छोटा की मात्रा का उच्चारण करेंगे समय कम लगता है उसको कम समय में बोलेंगे जल्दी से बोलेंगे उस पर जोर नहीं देना और जब भी हम बड़ाओ की मात्रा पढ़ेंगे तो जोर लगता है जो भी वर्ड उसमें रहेगा उस पर जोर लगता है उसको हम तेज आवाज में बोलेंगे लंबा नहीं जाएंगे। जैसे फ फ में बड़ी उ की मात्रा ला फूल। ठीक है तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे और छोटा उ और बड़ी उ की मात्रा का अभ्यास करेंगे। ठीक है और बार बार अभ्यास करने से आपका उच्चारण भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।